पप्पूदेव की मौत के बाद कटघरे में सुशासन है और लगातार जो विपक्ष है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुलिसिंग पर सवाल खड़े कर रहा है। बता दें आपको कि पप्पू देव की जब मौत हुई उसके बाद कहा जाने लगा कि ये मौत नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। इसके साथ ही जैसे ही आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया उसमें कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। पप्पू देव की मौत से जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है उसमें कहा जा रहा है कि पप्पू देव की मौत तो भले ही हार्ट अटैक से हुई हो लेकिन पोस्टमार्टम के दौरान जब उनके ब्रेन को खोला गया तो उसमें एक बड़ा ब्लड क्लॉटिंग मिला और इसी के कारण पप्पू देव की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है कि पप्पू देव की शरीर पर कुल 30 चोट के निशान थे। सरकार की खास आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह के प्रभार वाले जिले सहरसा में पप्पू देव की पुलिस कस्टडी में हुई मौत सामान्य मौत नहीं थी। पप्पू देव का पोस्टमार्टम करने वाली मेडिकल टीम की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा सामने आया। पप्पू देव के सिर पर गंभीर चोट के कारण ब्रेन के अंदर का नस फट गया जिसके कारण हार्ट फेल कर गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि पूरे शरीर पर जख्म के 30 गंभीर निशान थे। सारे के सारे निशान किसी कठोर और भोथरा वस्तु से मारे जाने के कारण बने थे। बता दें आपको कि पप्पू देव का पोस्टमार्टम सहरसा के 3 डॉक्टरों की टीम ने किया था। उस टीम ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को बताया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि पप्पू देव की मौत का कारण सामान्य हार्ट अटैक नहीं है। पप्पू देव के ब्रेन की नस फट जाने के कारण सिर में पूरा खून जमा हो गया था। इसके कारण हार्ट और सांस लेने का पूरा सिस्टम फेल हो गया और पप्पू देव की मौत हो गई। मेडिकल टर्म में डॉक्टरों की टीम ने लिखा है कि ब्रेन में हेमाटोमा के कारण कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो गया जिसके कारण मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पप्पू देव की ब्रेन की नस फटकर जहां खून जमा हुआ था उससे ठीक बाहर यानी कि बाएं ललाट के ठीक ऊपर चोट का गंभीर निशान था। चोट के ये निशान मेडिकल टर्म में ब्रूज कहा जाता है। डॉक्टरों ने लिखा है कि बाएं ललाट के ऊपर यानी कि बाएं ललाट से 2 इंच ऊपर लंबा और 2 इंच चौड़ा ब्रूज था। वे वही जगह हैं जहां से सिर के अंदर खून निकलकर जमा हो गया था जो मौत का कारण बना। डॉक्टरों ने कहा कि यह किसी कठोर और भोथरे चीज की चोट है जिसका निशान बना है। पोस्टमार्टम करने वाली मेडिकल टीम की रिपोर्ट में पप्पू देव के शरीर पर चोट के 30 निशान का जिक्र किया गया है। सब के सब किसी कठोर और भोथरे वस्तु से मारे जाने के निशान हैं। लगभग सारी चोट गहरी और गंभीर है। देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किन चोट का जिक्र किया गया है। जो स्क्रीन पर आप रिपोर्ट देख रहे हैं उसमें पहली चीज जो दर्शाई गई है उसमें कहा गया है कि बाएं ललाट के ऊपर चोट का गहरा निशान है। वहीं दूसरी बात जो दर्शाई गई है उसमें कहा गया है कि दाईं आंख के नीचे चोट का गहरा निशान है। वहीं तीसरी जो पॉइंट दी गई है उसमें बताया गया है कि दाएं हाथ पर भी वी आकार में चोट का निशान है। वहीं चौथे पॉइंट में कहा गया है कि बाएं हाथ के अंगूठे का नाखून खींचने के कारण जख्म है। वहीं दाएं जांग पर चोट के 5-5 इंच के 2 गहरे निशान हैं। छठे पॉइंट में बताया गया है कि दाएं घुटने पर जख्म के गहरे निशान हैं। वहीं सातवें पॉइंट में दर्शाया गया है कि दाएं जांग के निचले हिस्से पर चोट का 5 इंच का निशान है। आठवें पॉइंट में बताया गया कि दाएं जांग पर इस चोट के ठीक नीचे फिर एक चोट का निशान है। वहीं नौवां जो जख्म है वो दाएं पैर पर चोट के 3 निशान के तौर पर है। दसवीं पॉइंट में बताया गया है कि दाएं पैर के निचले हिस्से में चोट के 4 निशान हैं। वहीं ग्यारहवें पॉइंट में कहा गया है कि दाएं पैर के लोअर एंटीरियर पर जख्म है। वहीं जो जख्म के 12वें निशान हैं उसमें कहा गया है कि बाएं पैर के एंटीरियर पर जख्म के निशान हैं। वहीं 13वें जो जख्म के निशान हैं उसमें बताया गया है कि बाएं पैर के ऊपरी हिस्से पर चोट के निशान हैं। वहीं 14वें पॉइंट पर बताया गया कि बाएं जांघ पर चोट का निशान है। वहीं 15वें पे कहा गया कि बाएं घुटने पर चोट के निशान हैं। वहीं 16वें में दर्शाया गया है कि बाएं घुटने के नीचे जख्म का निशान है।
17वें जख्म के निशान बाएं जांग के निचले हिस्से में चोट के तौर पर बताया गया। वहीं 18वां जो जख्म का निशान है वो बाएं जांग के बीच में है। वहीं 19वें नंबर पे बाएं रिंग फिंगर के नाखून पर चोट का निशान है। 20वें पॉइंट में बताया गया कि बाएं हाथ के तर्जनी उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर पर चोट के साथ उंगली के भीतर खून का जमा होना है। 21वें पॉइंट में कहा गया कि बाएं कलाई पर चोट का निशान है। वहीं 22वें पॉइंट में कहा गया बाएं हाथ की कोहनी के ऊपर चोट का निशान है। 23वें पॉइंट में कहा गया कि बाएं कोहनी पर चोट का एक और निशान है। 24वें पॉइंट में दर्शाया गया है कि बाएं बांह पर गंभीर चोट का निशान है। वहीं 25वें चोट के निशान के तौर पर बाएं हाथ के बीच में चोट की बात कही गई है। 26वां जो निशान है वो बाएं कंधे के पास जख्म के तौर पर पाया गया है। 27वें नंबर पर कहा गया है कि बाएं कुल्हे पर जख्म के निशान हैं। वहीं 28वें अंक में दर्शाया गया कि गुद्दा के बाएं निचले हिस्से पर चोट के निशान हैं। वहीं 29वें जो चोट के निशान बताए गए वो गुद्दा के दाहिने हिस्से पर है। वहीं 30वें में कहा गया है कि बाएं कुल्हे के पास जख्म के 3 निशान हैं। मेडिकल रिपोर्ट बताती है कि पप्पू देव के शरीर पर जख्म के लगभग 40 निशान थे और डॉक्टरों के मुताबिक सारे निशान बोथरे और कठोर वस्तु से मारे जाने के कारण बने। मेडिकल रिपोर्ट में लाठी या बंदूक पिस्तौल का जिक्र तो नहीं किया गया, लेकिन जिस हार्ड एंड ब्लंट सब्सटेंस से जख्म होने का जिक्र किया जा रहा है वो लाठी या राइफल बंदूक का बट हो सकता है। मेडिकल रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि पप्पू देव की मौत जो कहानी सहरसा पुलिस बता रही है वो बिल्कुल गलत है। पप्पू देव की मौत सामान्य मौत नहीं थी, बल्कि बर्बर पिटाई के कारण ये मौत हुई है। हम आपको बता दें कि सहरसा में पिछले 18 दिसंबर को पुलिस हिरासत में पप्पू देव की मौत हो गई थी। सहरसा की SP लिपि सिंह ने प्रेस में बयान जारी किया और बताया कि पुलिस को सराही गांव में पप्पू देव और उसके समर्थकों द्वारा एक जमीन की घेराबंदी करवाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस पप्पू देव की तलाश में उसके गाँव ही उमेश ठाकुर के घर पर छापा मारा था। SP की ओर से कहा गया था कि वहां मौजूद पप्पू देव और उसके समर्थकों ने पुलिस पर गोलियां चलाई थी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी आत्मरक्षा के लिए फायरिंग की। SP के प्रेस बयान में कहा गया है कि छापेमारी के बाद पप्पू देव ने दीवार फांदकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे दबोच लिया गया। पुलिस हिरासत में छाती में दर्द की शिकायत करने पर देर रात करीब 2 बजे सदर अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया। गंभीर स्थिति देख डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया। उसे सहरसा से DMCH ले जाने की तैयारी के क्रम में मौत हो गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सहरसा की SP के दावों की धजियां उड़ा दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ है कि पप्पू देव की मौत सामान्य हार्ट अटैक तो नहीं हो सकती। उसे बर्बर तरीके से पीटे जाने के सारे तथ्य सामने आ गए हैं। इस बर्बर पिटाई में पप्पू देव की मौत हो गई है। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। बट को चाहे जहाँ काम होगा सिर्फ यहाँ। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।